स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आई टी यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी सेकेंड ईयर का आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे क्वेश्चन लाने के लिए तो आज इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी सेकेंड ईयर का आपके लिए टॉप फिफ्टी क्वेश्चन हम लेके आए हैं इसी तरह आगे भी सीरीज आएगी लेकिन उस सीरीज का नोटिफिकेशन टाइम पर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह यहाँ नीचे आपको सब्सक्राइब बटन देख रहा होगा चैनल के सामने और साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छे से स्टडी कीजिए अपने एग्जाम के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है आपका हुई कोड इज मार्क्ड बाय द फर्स्ट टू डिजिट इन द आई मी आई नंबर ऑफ सेलफोन सेलफोन के आई एम ई आई नंबर में पहले दो अंकों से कौन सा कोड अंकित होता है ऑप्शन है आपका सीरियल कोड ऑप्शन बी है मॉडल कोड ऑप्शन सी है कंट्री कोड या ऑप्शन डी है नेटवर्क कोड इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी कंट्री कोड ठीक है आई आई एम आई नंबर हमारा जो होता है सोलह डिजिट का उसमें आप देखेंगे जो पहला दो डिजिट रहता है वो देश के कोड को दर्शाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच प्रिंसिपल इज यूज इन आई आर रिमोट कंट्रोल आई आर रिमोट कंट्रोल में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए है आपका आर एफ ऑप्शन बी है ब्लूटूथ सिग्नल ऑप्शन सी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ऑप्शन डी है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इसका सही ऑप्शन है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा जो रिमोट होता है रिमोट कंट्रोल होता है इन्फ्रा रेड आई आर बेसिकली है इंफ्रा रेड इंफ्रा रेड रिमोट कंट्रोल जो होता है बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द रेंज ऑफ रेटेड वोल्टेज फॉर एल ई के लिए रेटेड वोल्टेज की सीमा क्या है ऑप्शन है आपका जीरो टू वन पॉइंट सिक्स वोल्ट डी ऑप्शन भी है 1.6 पॉइंट सिक्स टू फोर पॉइंट टू बोल्ट डी सी ऑप्शन सी है फोर पॉइंट टू टू फाइव पॉइंट सिक्स बोल्ट डी सी या ऑप्शन डी है फाइव पॉइंट सिक्स टू सिक्स पॉइंट एट बोल्ट डी सी तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका है वन पॉइंट सिक्स टू फोर पॉइंट टू बोल्ट डी सी एल ई डी में हम वन पॉइंट फोर सिक्स टू फोर पॉइंट टू बोल्ट डी सी ही यूज करते हैं ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट टाइप ऑफ वेब फॉर्म इज अवेलेबल एट पिन नंबर टू ऑफ फंक्शन जनरेटर आई सी एट जीरो थ्री एट फंक्शन जनरेटर आई सी एट जीरो थ्री एट के पिन नंबर टू पर किस प्रकार का तरंग रूप उपलब्ध है ऑप्शन ने आपको रखा देखिए साइन वेव साइन तरंग ऑप्शन बी है स्क्वायर वेव ऑप्शन सी है ट्रेंगुलर वेव या ऑप्शन डी है मॉड्यूलेटेड वेव तो यहाँ पर देखिए आपके लिए हम आईसी का यहाँ पे आपका जो है 8038 आईसी का एक इमेज लगा हुआ है यहां पे देखिए आपका क्या पूछा पिन नंबर टू तो ये हुआ इसका पिन नंबर वन ये है पिन नंबर टू पिन नंबर टू पे क्या है साइन वेव आउटपुट मतलब आपका ए आंसर सही होगा चलिए देखते हैं ए ए इज द राइट आंसर यहां आप देख लीजिए अगर पिन नंबर वन पूछता है तो साइन वेव एडजस्ट ठीक इसी तरह पिन नंबर थ्री अगर पूछेगा तो ट्रेंगुलर आउटपुट इस तरह से आप लिख सकते हैं ट्रेंगल का है ऐसे ऐसे सब पिन का अपना अपना एक रहता है तो इसको आप याद रख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच कलर इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेमी कंडक्टर मटीरियल एल्यूमिनियम गैलियम फास्फाइड ए आई जी ए पी डी इन एल ई डी एल्यूमिनियम गैलियम फासफाइड एल ई डी में कौन सा रंग अर्धचालक पदार्थ द्वारा निर्मित होता है ऑप्शन ए है आपका रेड ऑप्शन बी है ब्लू ऑप्शन सी है ग्रीन या हरा ऑप्शन डी है येलो या पीला इसका सही ऑप्शन है आपका हरा हमारा एल्यूमिनियम गैलियम फास्फाइड में अर्धचालक के द्वारा हरा रंग जो है प्रोड्यूस होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्इच मटेरियल इज यूज टू मेक कंडक्टिव शू कवर्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्टैटिक चार्जेज स्थिर आवेशों से बचाने के लिए प्रवाह की जूता कवर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है प्रवाह की नहीं एक्चुअली चाल की जूता यहाँ पे कंडक्टिव ठीक है ऑप्शन ने आपको दिया देखिए फाइबर रेसा ऑप्शन भी है कॉपर या तांबा ऑप्शन भी है प्लास्टिक ऑप्शन डी है प्रो पॉलीप्रोपीलीन ठीक इसका सही ऑप्शन आपका है पॉलीप्रोपीलीन हमारा पॉलीप्रोपीलीन यूज किया जाता है स्टैटिक चार्ज से बचाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट काजेज ए डिक्रीज इन फ्लक्स क्लीनिंग एक्शन लीड्स टू पुअर वेटिंग एंड डिफेक्टिव शोल्डर ज्वाइंट इन रीफ्लो शोल्डरिंग प्रोसेस क्या कारण है फ्लक्स सफाई की कार्रवाई में कमी से रीफ्लो शोल्डरिंग प्रक्रिया में ख़राब गीलापन और दोषपूर्ण शोल्डर ज्वाइंट होता है जो आपका हमारा डिक्रीज फ्लक्स क्लीनिंग एक्शन लीट्स पुअर वेटिंग एंड डिफेक्टिव शोल्डर जॉइंट होता है उसका क्या कारण है वो पूछ रहा है तो ऑप्शन ए है आपका हायर रैंप अप रेट उच्चतर रैंप अप दर ऑप्शन बी आपका लॉन्गर प्री हीट जोन लंबे समय तक प्री हीट जोन में रखना या ऑप्शन सी आपका मोर थर्मल सोक एक्सपोजर अधिक थर्मल सोक एक्सपोजर या ऑप्शन डी है आपका इनसफिसियट टाइम टेम्परेचर अपर्याप्त समय तापमान ठीक सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर इनसफिस टाइम पॉइंट टेम्परेचर जो होता है उसकी वजह से हमारा दोषपूर्ण शोल्डर जॉइंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुइच प्रोटेक्टिव केमिकल कोटिंग इज अप्लाइड ऑन द पीसीबी पीसीबी पर कौन सा सुरक्षात्मक रासायनिक लेप लगाया जाता है ऑप्शन है आपका सेलक लाह ऑप्शन बी है पीवीसी कोटिंग ऑप्शन सी है इनामिल वार्निश या ऑप्शन डी है पॉलीमर फिल्म कोटिंग इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी हमारा पीसीबी पर हमेशा पॉलीमर फिल्म कोटिंग लगाया जाता है सुरक्षा सुरक्षा के लिए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द एमसीबी एमसीबी में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है ऑप्शन ए देखिए आपको दे रखा है लैच ऑप्शन ए आपको दे रखा है लैच ऑप्शन बी आपका प्लंजर ऑप्शन सी है सोलेनाइट या ऑप्शन डी है कॉन्टैक्ट ठीक है ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मार्क कर रखा है और इसको पूछ रहा है क्या होता है ये तो इसका आप सही ऑप्शन देखेंगे ये है आपका बेसिकली सोलिनॉइड ये बेसिकली हमारा क्वाइल होता है एम में एक तरह का और इसको सोलिनॉइड भी बोलते हैं नॉर्मली तो ये है इसका सही आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह से इमेज दे के आपसे पूछ सकता है यहाँ आप इसको बड़े रूप में जब देखेंगे तो देख पाएंगे एम सी के अंदर का पूरा ये पार्ट होता है ट्रिपिंग लीवर ये सब तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो दिया हुआ था इसी को आपसे पूछा इसको बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोडक्शन या सोलनाइड और मैग्नेटिक कॉइल भी कहते हैं ठीक है यहां पे ये बना हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ ए रिवायरेबल फ्यूज सेलेक्टेड फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन इन ए सर्किट एक सर्किट में ओवर करंट सुरक्षा के लिए चुने गए पुनः प्रयोज्य फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर क्या है ऑप्शन है देखिए आपका 1.1 ऑप्शन बी है 1.2 ऑप्शन सी है 1.3 पॉइंट ऑप्शन डी है 1.4 इसका सही ऑप्शन आपका है 1.4 पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछ सकता है आपसे फ्यूजिंग फैक्टर ठीक है 1.4 पॉइंट फोर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुई पैरामीटर ओपन्स द फ्यूज एलिमेंट अंडर फॉल्ट विदाउट डैमेजिंग द लोड कौन सा पैरामीटर लोड को नुकसान पहुंचाए बिना फॉल्ट के तहत फ्यूज तत्व को खोलता है ऑप्शन है आपका देखिए करंट रेटिंग ऑप्शन बी है वोल्टेज रेटिंग ऑप्शन सी है पावर रेटिंग या ऑप्शन डी है रप्चरिंग कैपेसिटी तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज का जो रप्चरिंग कैपेसिटी होता है वो लोड को बिना नुकसान पहुंचाए फॉल्ट के तहत फ्यूज को ओपन करता है उसकी रैप्चरिंग कैपेसिटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर सेटिंग ऑन सोल्डरिंग वर्क स्टेशन फॉर सोल्डरिंग एस एम डी आईसीज सोल्डरिंग एस एम डी आई सीज के लिए सोल्डरिंग वर्क स्टेशन पर तापमान सेटिंग की सीमा क्या है ऑप्शन है देखिए आपका हंड्रेड डिग्री टू टू हंड्रेड डिग्री ऑप्शन बी है टू हंड्रेड डिग्री टू टू फिफ्टी डिग्री ऑप्शन सी है टू फिफ्टी डिग्री टू टू एट्टी डिग्री या ऑप्शन डी है आपका टू एट्टी डिग्री टू फोर हंड्रेड डिग्री सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी दो सौ पचास डिग्री से दो सौ अस्सी डिग्री तापमान हमारा होता है सोल्डरिंग वर्क स्टेशन का ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच कलर ऑफ सोल्डर मास्क इज यूज ऑन पी सी बी पी सी बी पर सोल्डर मास्क कौन से रंग का सोल्डर मास्क इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन है ब्राउन भूरा रंग ऑप्शन बी है ऑरेंज नारंगी रंग ऑप्शन सी है ग्रीन हरा रंग या ऑप्शन डी है वायलट बैगनी रंग सही ऑप्शन आपका है हरा आपने देखा होगा हरा रंग का हमेशा वो रहता है इस तरह से दिखता है आपका आई सी ये देख लीजिए पी जो होता है ये हरे रंग का इस तरह से मास्क इस इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ द सेंट्री स्विच इज कनेक्टेड इन ए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच कैसे जुड़ा होता है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऑप्शन ए है अक्रॉस द स्टार्टिंग बाइंडिंग स्टार्टिंग बाइंडिंग के अक्रॉस ऑप्शन भी है अक्रॉस द रनिंग बाइंडिंग रनिंग बाइंडिंग के अक्रॉस या ऑप्शन सी है सीरीज विद द स्टार्टिंग बाइंडिंग स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ सीरीज में या ऑप्शन डी है सीरीज विद द रनिंग बाइंडिंग रनिंग बाइंडिंग के साथ सीरीज में इसका सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन सी हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो स्टार्टिंग बाइंडिंग जो होती है उसके साथ सीरीज यानी श्रेणी में जुड़ा होता है चलिए आगे इमेज में इसको क्लियर देखेंगे यहाँ पर देखिए इस तरह से होता है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का सर्किट बेसिकली जब हमारा एक बार ये स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्टिंग बाइंडिंग जो होती है वो हमारी इससे अलग हो जाती है और मेन बाइंडिंग के थ्रू हमारा मोटर चलता है तो यहाँ पे आपका देखिए ये लगा हुआ है आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच ठीक है कहाँ लगा है देखिए ऑगजिलरी बाइंडिंग यानी जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है उसके सीरीज में लगा हुआ है ये तो इसका सही ऑप्शन आपका सी है सीरीज विद द स्टार्टिंग बाइंडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएसन पी टी जेड केबल यूज इन सिक्योरिटी कैमरा सुरक्षा कैमरे में उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त नाम पी टी जेड केबल का पूर्ण रूप क्या है ऑप्शन है आपका पर्पज टेक्निक जूम उद्देश्य तकनीक जूम ऑप्शन बी है फेज टर्मिनल जूम चरण टर्मिनल जूम या ऑप्शन सी आपका पैन टिल्ट जूम या ऑप्शन डी है पैटर्न टाइप जूम तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा पैन टिल्ट जूम ठीक है पी टी जेड का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पैन टिल्ट जूम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह से फुल फॉर्म आपसे कई सारी चीजों के पूछ सकता है नेक्स्ट ये होती है बेसिकली आपकी पी टी जेड केबल ठीक इसी का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुइच टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्लेस द कंपोनेंट्स डायरेक्टली ऑन द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्डों पर घटकों को सीधे रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है ऑप्शन है आपका सोल्डर माउंट टेक्नोलॉजी ऑप्शन भी है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी ऑप्शन सी है सेफ्टी मेटाफर टेक्नोलॉजी रूपक प्रौद्योगिकी या ऑप्शन डी आपका सिलिकन मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी सिलिकन मल्टीप्लायर प्रौद्योगिकी सही ऑप्शन आपका है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी बीस इज द राइट ऑप्शन सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी भूतल माउंट टेक्नोलॉजी ठीक ये आपका होता है बेसिकली हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द करंट रेटिंग ऑफ कॉपर कलर फ्यूज कार्ट्रिज कॉपर कलर फ्यूज कार्ट्रिज की करंट रेटिंग क्या है ऑप्शन ने देखिए आपको देखा 25 एम्पियर ऑप्शन बी है 35 एम्पियर ऑप्शन सी है 50 एम्पियर या 50 एम्पियर ऑप्शन डी है 63 यानी तिरसठ एम्पियर तो इसका सही ऑप्शन है आपका 63 थ्री एम्पियर कॉपर कलर फ्यूज जो होता है कार्टरेज उसकी रेटिंग 63 थ्री एम्पियर होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये तो यहाँ पे आप देख लीजिए कलर वाइज कैसे डिसाइड होता है किसकी क्या रेटिंग होगी ठीक है ये एक लिस्ट है आप याद कर लीजिए कोई भी अगर इसे पूछे तो आप लगा सकते हैं पिंक कलर टू एम्पियर ब्राउन कलर फ़ोर एम्पियर ग्रीन कलर सिक्स एम्पियर रेड कलर टेन एम्पियर ग्रे कलर सिक्सटीन एम्पियर ब्लू ट्वेंटी एम्पियर येलो ट्वेंटी फ़ाइव ब्लैक 35 फाइव एम अगर है 50 एम कॉपर यहाँ आपसे चूंकि पूछा है तो 63 थ्री एम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपसे कोई ना कोई ये कलर देके कभी ग्रे देके, कभी ब्लू देके आपसे पूछ सकता है उसकी रेटिंग क्या है तो इसको आप स्क्रीन शॉट लेके रख लीजिए एग्जाम में जो भी है अगर आपको याद रहेगा तो आप लगा पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ कैटेगरी फोर ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल श्रेणी फोर ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबलों की डेटा ट्रांसमिशन गति क्या है ऑप्शन ए आपका चौदह एम ऑप्शन बी है पंद्रह एम यानी फिफ्टीन एम ऑप्शन सी सिक्सटीन एम या ऑप्शन डी सेवनटीन एम सही ऑप्शन आपका है सिक्सटी एम हमारा जितना ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल होता है उनका ट्रांसमिशन रिपीट सिक्सटीन एम होता है ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अक्सर पूछा जाता है ये होती है हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल इमेज में आपको दिया हुआ है देखिए यह होती है को केबल के एल ये होती है ट्विस्टेड पेयर केबल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच टाइप ऑफ आर एफ केबल इज यूज फॉर हायर पावर एप्लीकेशन उच्च शक्ति अनुप्रयोगों के लिए किस प्रकार के आर एफ केबल का उपयोग किया जाता है ऑप्शन है आपका आर जी एट ऑप्शन बी है आर जी सिक्सटी ऑप्शन सी है आर जी वन सेवेंटी फोर या ऑप्शन डी है आर जी टू वन थ्री इसका सही ऑप्शन आपका है आर जी एट ए ऑप्शन सही है ये होती है आपकी आर जी एट केबल ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग बेयर को एक्सियल केबल्स विदाउट एंड कनेक्टर्स एंड कनेक्टर के बिना नंगे समाक्षीय केबल का उपयोग करने का क्या प्रभाव पड़ता है ऑप्शन है आपका करंट इंक्रीज करंट बढ़ जाता है ऑप्शन बी है वोल्टेज रिड्यूस वोल्टेज घटना ऑप्शन सी है मिसमैच द लोड लोड मिसमैच होता है या ऑप्शन डी है वायर रेजिस्टेंस इंक्रीज तार के प्रतिरोध में वृद्धि इसका सही ऑप्शन आपका होगा मिसमैच द लोड अगर हम उसे केबल को बेयर को एक्सेल केबल यूज करेंगे बिना एंड कंडक्टर के तो हमारा लोड जो है वो मिसमैच लोड होगा बेमेल होगा वो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ द इमेज फ्रिक्वेंसी इज प्रिवेंटेड इन रेडियो रिसीवर सर्किट रेडियो रिसीवर सर्किट में छवि आवृत्ति को कैसे रोका जाता है ऑप्शन है आपका इनवेलप डिटेक्टर ऑप्शन बी है मोर आई एफ एम्पलीफायर ऑप्शन सी है लो नॉइज ऑडियो एम्पलीफायर या ऑप्शन डी है हाईली सेलेक्टिव आर एफ एम्पलीफायर तो रेडियो रिसीवर सर्किट में इमेज फ्रिक्वेंसी जो होती है कैसे उनसे प्रिवेंट करते हैं तो इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है अक्सर हाईली सिलेक्टिव आर एफ एम्पलीफायर यूज करके हम रेडियो रिसीवर सर्किट में इमेज फ्रीक्वेंसी को रोकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग डिवाइड बाई ट्वेल्व नेटवर्क इन एट जीरो फाइव एन माइक्रो कंट्रोलर ऑक्सीलेटर आउटपुट टू फीड द टाइमर टाइमर को फीड करने के लिए एट जीरो फाइव वन माइक्रो कंट्रोलर ऑक्सीलेटर उत्पादन में बारह नेटवर्क द्वारा डिवाइड का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है ऑप्शन है आपका क्लॉक सिग्नल ऑप्शन बी है एम्पलीफायर इनपुट सिग्नल या ऑप्शन सी है लोडिंग इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मूल लोड करने के लिए ऑप्शन डी है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ठीक तो इसका सही ऑप्शन आपका है क्लॉक सिग्नल कैसे है चलिए इसको थोड़ा डिटेल में यहां देखेंगे तो इन 8051 जीरो आउटपुट जो होता है बारह से डिवाइड किया जाता है बाई डिवाइड ट्वेल्व नेटवर्क एंड देन फिट टू द टाइमर टाइमर को देते हैं एज ए क्लॉक सिग्नल तो वही बोल रहा है बारह से डिवाइड करने का उद्देश्य है एक्चुअली उसे क्लॉक सिग्नल देने के लिए ठीक है दैट मीन्स फॉर एट ज़ीरो फाइव वन रनिंग एट ट्वेल्व मेगा हट्स द टाइमर क्लॉक इनपुट विल बी वन मेगा हट्स ये भी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि एट जीरो फाइव वन रनिंग ट्वेल्व मेगा हट्स देन टाइमर क्लॉक इनपुट कितना होगा ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको वन मेगा हट्स उसका आंसर आप लगा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी चैनल्स ऑफ अनकम्प्रेस्ड पी सी एम ऑडियो सिग्नल्स आर कै रिड बाई द एस पी डी आई एफ केबल असम पीड़ित पी सी एम ऑडियो सिग्नल के कितने चैनल एस पर पी डी आई एफ केबल द्वारा लिए गए हैं ऑप्शन ए है टू ऑप्शन बी है फोर ऑप्शन सी है छः ऑप्शन डी है एट सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए दो इसका सही ऑप्शन है टू सिग्नल लिए जाते हैं ठीक है थीके? ये आपका होता है बेसिकली हमारा जो दिया हुआ कैरिट बाय द एस पी डी आई एफ केबल इससे दो इनपुट हमारे लिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुई लेंस इज फिटेड ऑन द एलो लाइट टू प्रोड्यूस ग्रीन लाइट इन द ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल इन इंटरफेस्ड विद द एट जीरो फाइव वन माइक्रो कंट्रोलर एट जीरो फाइव वन माइक्रो कंट्रोलर के साथ बाधित ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में हरे रंग की रोशनी पैदा करने के लिए किस लेंस को पीले प्रकाश पर फिट किया जाता है ऑप्शन ए है रेड लेंस ऑप्शन बी है ब्लू लेंस ऑप्शन सी है ग्रीन लेंस या ऑप्शन डी है ऑरेंज लेंस इसका सही ऑप्शन आपका है ब्लू लेंस ब्लू लेंस को फिट करके हम उससे येलो लाइट पे फिट करके ग्रीन लाइट निकालते हैं देखिए इमेज में कैसे ये देखिए येलो लाइट पे जैसे ही ब्लू उसके ऊपर आता है तुरंत हमें एक ग्रीन कलर का सिग्नल मिलता है चलिए बेसिकली हमारा जो रेड लाइट कंटेन सम ऑरेंज इन इट्स यू एंड देन ग्रीन लाइट कंटेंस सम ब्लू फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल विद रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है उनको ग्रीन लाइट्स इन मेनी एरिया आर इन फैक्ट ब्लू लेंसेज आने येलो लाइट ठीक हुइ टुगेदर अपियर ग्रीन तो ब्लू और उसको येलो को हम मिला के ग्रीन दिखा देते हैं तो उसके लिए उन्हें थोड़ा सा दिक्कत नहीं होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द यूज ऑफ लोड सेल लोड सेल के उपयोग क्या हैं ऑप्शन है कन्वर्ट्स फोर्स इनटू लीनियर मूवमेंट बल को रैखिक मोमेंट में बदलता है ऑप्शन बी है आपका कन्वर्ट्स फोर्स इंटू ऑप्टिकल लाइट रेस बल को ऑप्टिकल प्रकाश किरणों में बदलता है ऑप्शन सी है कन्वर्ट्स फोर्स इंटू मकैनिकल वाइब्रेशन बल को यांत्रिक कंपन में कन्वर्ट करता है या ऑप्शन डी है आपका कन्वर्ट्स फोर्स इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बल को विद्युत संकेतों में कन्वर्ट करता है तो इसका सही ऑप्शन आपका डी लोड सेल हमारा जो होता है उस पर जब भी हम कोई भी लोड देते हैं तो उसके रेजिस्टेंस में बेसिकली चेंज होता है और उसके थ्रू हमें एक मिली बोल्ट फीडबैक देता है जिसको हम पी के थ्रू लेके कर मीज़र करके हम ये जान सकते हैं कि हमारा कितना लोड उसके ऊपर है इसका एक कैलिब्रेशन कर देते हैं हम तो उसके हिसाब से लोड सेल हमें अगर उसके ऊपर हम एक के जी दो के जी जो भी वेट रखते हैं उस हिसाब से उसके रेजिस्टेंस में बदलाव होता है और उस हिसाब से वो मिली बोल्ट जनरेट करके हमें बताता है कि हाँ हमारे ऊपर इतना लोड रखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एंड रिलायबल किस प्रकार का स्ट्रेन गेज संवेदन सबसे संवेदनशील और विश्वसनीय है ऑप्शन ए है आपका हाइड्रोलिक ऑप्शन बी है मैकेनिकल ऑप्शन सी है पीजो इलेक्ट्रिक या ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विद्युतीय प्रतिरोध तो सही ऑप्शन आपका है पी जो इलेक्ट्रिक पीजो इलेक्ट्रिक स्ट्रेन गेज हमारा सबसे सेंसिटिव और रिलायबल विश्वसनीय होता है इसलिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है ठीक है देखिये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह से कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट लगा हुआ है जैसे हम इस पर मैकेनिकली कुछ फोर्स देते हैं तो यहाँ पे एक लाइटर इससे एक मैकेनिकल सॉकेज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमें मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम वैक्यूम का अपवर्तनांक क्या है ऑप्शन ए है वन ऑप्शन बी है लेस देन वन ऑप्शन सी है ग्रेटर देन वन या ऑप्शन डी है इन्फिनिटी वैक्यूम का हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वन होता है इसको याद कर लीजिए अगर ये पूछा है तो आप सीधे इसका आंसर लगा के आ सकते हैं वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक एक होता है हमेशा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एवरीविएसन ओ टी डी आर संक्षिप्त नेम ओ टी डी आर का पूर्ण रूप क्या है ऑप्शन है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिजॉल्व्स ऑप्शन भी है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर ऑप्शन सी है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टर या ऑप्शन डी है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्रैक्टर ठीक है सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अक्सर एब्रीविएशन या फुल फॉर्म आपसे पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन ऑफ ओटीडीआर संचित अच्छा ओटीडीआर ठीक है यहाँ पे आपको ओटीडीआर का इमेज दिया हुआ है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर का ठीक है तो ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफेक्टोमीटर हमारा डिवाइस है जो कि इंटीग्रिटी ऑफ ए फाइबर केबल एंड इज़ यूज फॉर द बिल्डिंग तो इसकी जो फाइबर केबल है उसकी इंटीग्रिटी को हमारा यूज़ करने के लिए वो किया जाता है सर्टिफाइंग फॉर द बिल्डिंग सर्टिफाइंग मेंटेनिंग एंड ट्रबल शूटिंग फाइबर ऑप्टिक सिस्टम तो हमारा जो भी फाइबर ऑप्टिक सिस्टम हम जब बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए सर्टिफाइंग करने के लिए मेंटेन करने के लिए और ट्रबल शूट करने के लिए ओ टी डी आर डिवाइस हमारा यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुई टेक्नोलॉजी हैज़ रिप्लेस्ड द कॉपर वायर इन द कोर कम्युनिकेशन नेटवर्क कोर संचार नेटवर्क में तांबे की तार की जगह किस तकनीक ने ले ली है ऑप्शन है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑप्शन बी है रेडियो वेव कम्युनिकेशन ऑप्शन सी है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन या ऑप्शन डी है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी हमारा आजकल जितना भी कम्युनिकेशन होता है लगभग वो ऑप्टिकल फाइबर में होने लगा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएसन एच डी एम आई एच डी एम आई का पूर्ण रूप क्या है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अक्सर पूछा जाता है एच डी एम आई आप सभी ने देखा होगा एच डी एम आई पोर्ट आपके लैपटॉप से पी सी में भी होते हैं चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन है हाई डिजिटल मल्टी मीडिया इनपुट उच्च डिजिटल मल्टी मीडिया इनपुट ऑप्शन बी है आपका हाइब्रिड डिजिटल मल्टी फंक्शन इंटरफेस हाइब्रिड डिजिटल और ऑप्शन सी आपका हाई डिफिनीसन मल्टी मीडिया इंटरफेस उच्च और ऑप्शन डी है आपका हाइब्रिड डिजाइन मल्टी फंक्शन इंटरकनेक्ट इसमें जब भी इस तरह का आपसे एब्रीविएसन पूछता है तो कोशिश कीजिए आप हिंदी वाले को इग्नोर करने का और इंग्लिश में ही इसका नाम हमेशा याद करने का क्योंकि हिंदी वाला अगर आप देखेंगे तो कन्फ्यूज होंगे तो बेहतर है एच डी एम आई एच का ए, डी का एम का आई का इंग्लिश में क्या नाम होता है उसको याद रखिएगा ठीक है चलिए तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन है आपका हाई डिफिनीसन मल्टी इंटरफेस एच डी एम आई हाई डिफिनीशन मल्टी मीडिया इंटरफेस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये होता है हमारा बेसिकली एच डी एम आई केबल आपने देखा होगा लैपटॉप में पी सी में आपके सब जगह ये पोर्ट दिया होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन एस एफ आर यूज इन माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर में उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त नाम एस एफ आर का पूर्ण रूप क्या है ऑप्शन है आपका सीरियल फंक्शन रजिस्टर ऑप्शन बी है सेफ्टी फंक्शन रिले ऑप्शन सी है आपका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर या ऑप्शन डी है आपका सिस्टम फंक्शन रजिस्टर तो इसका सही ऑप्शन आपका है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एस एफ आर जो माइक्रो कंट्रोलर में यूज होता है उसका पूरा नाम है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश की गति क्या है ऑप्शन है आपका देखिए तीन गुड़े दस की घात तीन मीटर ये एक्चुअली जो यहाँ पे लिखा है हमेशा दस की घात तीन है ठीक है ऑप्शन बी है तीन गुड़े दस की घात छः मीटर पर सेकंड ऑप्शन डी सी है तीन गुड़े दस की घात आठ मीटर पर सेकंड ठीक है ऑप्शन डी है आपका तीन गुड़े दस की घात दस मीटर पर सेकंड सही ऑप्शन क्या है इसका तीन गुड़े दस की घात आठ मीटर पर सेकंड ये तीन गुड़े एक सौ आठ नहीं है तीन गुड़े टेन टू पावर एट है ठीक है चलिए तो लाइट का स्पीड आपका हो गया थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ द स्लाइडिंग ऑफ द टेक्स्ट इज मूव्ड वर्टिकली ऑन द डेस्कटॉप कंप्यूटर मॉनिटर डेस्कटॉप कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले पर टेक्स्ट की स्लाइडिंग को लंबवत कैसे खिसकाया जाता है ऑप्शन है बाई कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के निर्देशों द्वारा ऑप्शन भी है कनेक्टिंग पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करके ऑप्शन सी है स्क्रॉलिंग व्हील इन द माउस माउस में स्क्रॉल व्हील कर माउस के व्हील को स्क्रॉल करके या ऑप्शन डी आपका माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर आधारित प्रणाली इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका स्क्रॉलिंग द माउस माउस से स्क्रॉलिंग व्हील द्वारा हम करके उसको मूव कर सकते हैं टेक्स्ट को इधर उधर ठीक है माउस कैसे होता है आप सभी ने देखा होगा इस तरह से इसका जो व्हील होता है इसके हम करके करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ़ द लॉस अकरिंग ड्यू टू द बेंड ऑफ फाइनाइट रेडियस इन द ऑप्टिकल फाइबर केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल में परिमित त्रिज्या मोड़ के कारण होने वाली हानि का नाम क्या है ऑप्शन ए है आपका ल्यूमिनेंस लॉस ऑप्शन बी है डिस्पर्सन लॉस ऑप्शन बी है हिस्टेरिसिस लॉस या ऑप्शन डी है रेडियो एक्टिव लॉस ठीक है ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो हमारा ड्यू टू बेंड जब उस बेंड हो जाता है उसकी फाइनाइट रेडियस इन द ऑप्टिकल फाइबर तो कौन सा लॉस होता है वो पूछ रहा है आपसे ये है, है आपका रेडियो एक्टिव लॉस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुई मोड इज सेलेक्टेड फॉर ऑपरेशन टू एनेबल द रीड राइट पिन ऑफ एल सी डी मॉड्यूल केप्ट एट हाई लेवल उच्च स्तर पर रखे गए एल सी डी मॉड्यूल के रीड राइट पिन को सक्षम करने के लिए किस मोड को ऑपरेशन के लिए चुना जाता है ऑप्शन है रीड मोड ऑप्शन बी है राइट मोड ऑप्शन सी है स्टोर मोड या ऑप्शन डी है डिस्प्ले मोड तो इसका सही ऑप्शन आपका है रीड मोड रीड मोड जो होता है उसको एक्टिवेट करते हैं तब हम उसमें रीड राइट कुछ कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखिए सर्किट दिया हुआ है तो ये क्या है बेसिकली बैटरी चार्जर के लिए जा रहा है ये और इसका एक सही से डायग्राम यहाँ पर हम देख लेंगे तो ये देखिए होता है सिंगल लाइन थ्री फेज जो भी एसी इनपुट आए रेक्टिफायर प्लस चार्जर से देखिए बैटरी बैंक हो गया बैटरी बैंक से फिर हमारा इन्वर्टर इन्वर्टर से फिल्टर फिल्टर से क्रिटिकल लोड तो हमारा जितना भी क्रिटिकल लोड होता है उसको बेसिकली हम यू से जोड़ते हैं जिससे उसका कभी भी हमें पावर से पावर ना जाए उसका यूपीएस का मतलब होता है अन पावर सप्लाई यानी किसी इक्विपमेंट को बिना किसी इंटरप्शन के बिना किसी रोक टोक के हमेशा वो सप्लाई प्रदान करता है चाहे बिजली हो या ना हो तो इसलिए हम यूपीएस यूज करते हैं जो क्रिटिकल लोड्स होते हैं उनको हमेशा चार्ज रखने के लिए उनको हमेशा पावर से जोड़े रखने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which electric component maintains constant output voltage in the power supply section marked X? कौन सा विद्युत घटक विद्युत आपूर्ति खंड में निरंतर आउटपुट वोल्टेज को बनाए रखता है जो X से चिन्हित है यहाँ पे देखिए आपका एक अनरेगुलेटेड इनपुट है ए सी डी सी और यहाँ पे एक एक्स बना दिया है और साथ ही यहाँ पे क्या निकल रहा है आपका रेगुलेटेड आउटपुट डी सी तो चलिए देखते हैं रेगुलेटेड आउटपुट डी सी हमें कौन देता है ऑप्शन ए है आपका रियोस्टेट ऑप्शन बी है ट्रांजिस्टर ऑप्शन सी है जीनर डायोड या ऑप्शन डी है पोटेंसियो मीटर तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका जीनर डायोड जीनर डायोड लगा के हम एक्चुअली अनरेगुलेटेड इनपुट को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में बदल सकते हैं तो ये जीना डायोड इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुई एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम सन लाइट बाई द फोटोबोल्टिक मटेरियल फोटोबोल्टिक सामग्री द्वारा किस ऊर्जा को सूर्य के प्रकाश से परिवर्तित किया जाता है ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा ऑप्शन बी है थर्मल एनर्जी तापीय ऊर्जा ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा या ऑप्शन डी है मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा सही ऑप्शन है आपका विद्युत ऊर्जा तो जो हमारा फोटोवोल्टिक सेल होता है एक्चुअली तो सनलाइट को किस में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मेजरमेंट विद्युत इंसुलेशन माप के लिए उपयोग किए जाने उपकरण का नाम क्या है ऑप्शन ए है मेगर ऑप्शन बी है एमीटर ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर और ऑप्शन डी है एनर्जी मीटर तो इसका सही ऑप्शन क्या है मेगर मेगर के द्वारा हम किसी भी चीज़ का इंस, इंस्ट्रूमेंट्स का या मोटर का या ट्रांसफार्मर का किसी भी चीज़ का आईआर मतलब इंसुलेंस रेजिस्टेंस मेजर करते हैं एमीटर देखिए क्या होता है एमीटर से क्यों नहीं करेंगे क्योंकि मीटर हमारा करंट मेजरमेंट के लिए होता है वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज मेजरमेंट के लिए होता है और एनर्जी मीटर हमारा एनर्जी मेजरमेंट के लिए होता है ठीक है तो हमारा बचा क्या मेगर इज द राइट आंसर इंसुलेशन रजिस्टेंस मेगर से मेजर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर पार्ट मार्क्ड एक्स सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर भाग का नाम क्या है जिसे एक्स द्वारा चिन्हित किया गया है ये देखिए इसको आपका एक्स से चिन्हित किया गया है और ये सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर का सर्किट है ठीक है तो ऑप्शन ए दे रखा आपको सर्वो मोटर ऑप्शन बी है मोटर पावर कंट्रोल ऑप्शन सी है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर या ऑप्शन डी है टोरो टोरोडल ऑटो ट्रांसफार्मर टोराइडल ऑटो ट्रांसफार्मर तो ये क्या है हमारा बेसिकली ये इसका सही ऑप्शन आपका है टोराइडल ऑटो ट्रांसफार्मर ये जो एक्स से चिन्हित है और ये जो बना हुआ है बेसिकली टोराइडल ऑटो ट्रांसफार्मर है जो हमारा सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में इस्तेमाल होता है इनपुट सर्किट की तरफ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लेड एसिड बैटरी अंडर डिस्चार्ज कंडीशन डिस्चार्ज स्थिति के तहत सीसा लेड एसिड बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व की सीमा क्या है ऑप्शन है देखिए आपका वन पॉइंट वन टू वन ऑप्शन भी है वन पॉइंट वन फोर टू वन पॉइंट वन सेवन ऑप्शन सी है वन पॉइंट वन सेवन टू वन पॉइंट टू सिक्स या ऑप्शन डी है आपका वन पॉइंट टू सिक्स टू वन पॉइंट टू एट सही ऑप्शन क्या है आपका ऑप्शन ए वन पॉइंट वन वन टू वन पॉइंट वन फोर हमारा जो लेड एसिड बैटरी है जब वो डिस्चार्ज होता है तो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वन पॉइंट वन वन से वन पॉइंट वन फोर तक के बीच में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ लीनियर पावर सप्लाई रैखिक विद्युत आपूर्ति की दक्षता क्या है ऑप्शन है थर्टी टू फोर्टी परसेंट ऑप्शन बी है फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट ऑप्शन सी है फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट या ऑप्शन डी सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट सही ऑप्शन है इसका आपका थर्टी टू फोर्टी परसेंट हमारा लीनियर जो होता है पावर सप्लाई जो होता है उसका थर्टी टू फोर्टी परसेंट होता है हमारा इफिशियंसी यानी दक्षता नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच फीचर सपोर्ट्स ऑडियो मैसेज फ्राम कॉलरस इन सेल फोन कम्युनिकेशन सेल फोन संचार में कॉलर से ऑडियो संदेश की सुविधा को सपोर्ट करता है ऑप्शन ए वॉइस रिकॉर्ड ऑप्शन बी वॉइस मेल ऑप्शन सी वॉइस डायल या ऑप्शन डी कॉलर आई सही ऑप्शन आपका है वॉइस मेल ऑप्शन बी वॉइस मूल जो फैसिलिटी होती है वो एक्चुअली ऑडियो मैसेज को हमारा सपोर्ट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ़ द सेवन सेगमेंट एल ई डी डिस्प्ले सिस्टम पार्ट मार्क्ड एक्स एल ई डी एक्स चिन्हित सात खंड डिस्प्ले सिस्टम भाग का कार्य क्या है ऑप्शन ए देखिए ड्राइवर ऑप्शन बी है काउंटर ऑप्शन सी है फ्लिप फ्लॉप या ऑप्शन डी है ऑक्सीलेटर तो यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है ये इनपुट डिकोडर दिया हुआ है यहाँ पे बीच में एक्स से इसको मार्क किया है इसी को आपसे पूछ रहा है क्या है ये और यहाँ सेवन सेगमेंट डिस्प्ले दे रखा है तो ये क्या होगा बेसिकली इसका सही ऑप्शन ड्राइवर ये चालक का काम करता है ये यहाँ पे जो है चालक का काम करता है ठीक यहां पे देखिए आप डिकोडर आता है यहां से आपका ये चालक के थ्रू फिर यहाँ सेवन सेगमेंट डिस्प्ले में जाके हमें जो भी डिस्प्ले दिखना होता है वो हमें दिखता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच आई सी इज यूज इन द बैटरी चार्जिंग सर्किट ऑफ ऑन लाइन यूपीएस ऑन लाइन यूपीएस के बैटरी चार्जिंग सर्किट में किस आईसी का उपयोग किया जाता है ऑप्शन है एल थ्री वन सेवन ऑप्शन बी है टी एल फोर नाइन फोर ऑप्शन सी एनी फाइव 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 या ऑप्शन डी है यू ए सेवन फोर वन इसका सही ऑप्शन आपका है एल थ्री वन सेवन ठीक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता है आपके एग्ज़ाम में ऑनलाइन यू के बैटरी चार्जिंग सर्किट में एल एम थ्री का उपयोग किया जाता है ठीक है ये यहाँ पे इसका देख लीजिए एल एम थ्री वन सेवन आई सी पिनआउट कैसे दिखता है इस तरह से उसके ऊपर मेंशन रहता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द बैंड बिट यूज फॉर टी ट्रांसमिशन इन इंडिया भारत में टी प्रसारण के लिए किस बैंड बिथ का उपयोग किया जाता है ऑप्शन है फाइव मेगा ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है सिक्स मेगा ऑप्शन सी है सेवन मेगा या ऑप्शन डी है एट मेगा सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी सेवन मेगा यूज करते हैं हम बैंड बिट भारत में टी प्रसारण के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ह्च सिस्टम सपोर्ट्स द मैंटेनेंस ऑफ जी एस एम नेटवर्क कौन सी प्रणाली जी एस एम नेटवर्क के रख रखाव को सपोर्ट करती है ऑप्शन ए है बेस स्टेशन सब सब सिस्टम ऑप्शन बी है नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम ऑप्शन सी है ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम या ऑप्शन डी है मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग सिस्टम सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी ऑपरेशनल समर्थन प्रणाली या ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम होता है जो जी एस एम नेटवर्क को रख रखाव को सपोर्ट करता है अभी जो हम लोग यूज करते हैं वही जी नेटवर्क की बात कर रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मटेरियल इज यूज एज कैथोड इन ओ एल ई डी ओ एल ई डी में कैथोड के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑप्शन बी है जिंक ऑक्साइड ऑप्शन सी है सेलिनियम सल्फाइड या ऑप्शन डी है इंडियम टिन ऑक्साइड इसका सही ऑप्शन आपका है कैल्शियम हमारा कैल्शियम कैथोड के रूप में यूज होता है ओ एल ई डी में ये आपको ओ के एक एक लेयर का दिख रहा है यहाँ पर एनोड होल इंजेक्शन होल ट्रांसपोर्ट लेयर एमिशन लेयर ब्लॉकिंग लेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर ये ऊपर आ गया है कैथोड ठीक तो ये थे आपके टॉप फिफ्टी क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अगर कहीं पर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं अगली सीरीज़ भी हम जल्दी ही आपके लिए पचास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेके आएंगे तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही दोस्तों के साथ अपने वीडियो शेयर कर दीजिए थैंक यू सो मच